हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में भारी वर्षा हुई और जिसके कारण जो फसलें थीं वो ज़्यादातर नष्ट हो गईं। उसी गांव में एक छोटा किसान था जिसका नाम था भोला। उसके बच्चे थे, बीवी थी और उस पर वो एक ही खेत था जिसमें बड़ी अच्छी फसल थी, लेकिन उस तबाही के कारण वो फसल नष्ट हो गई। अब फसल नष्ट होने पर वो बहुत उदास हुआ, सोचने लगा क्या किया जाए। तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमारे पास कुछ पैसे हैं जिनसे खर्च चल सके, लेकिन अधिक समय नहीं चल पाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि पड़ोस के गांव में किसी अच्छे ज़मींदार के यहाँ जाकर कोई काम धंधा देख लूँ, जिससे कि आने वाले समय में हमें भुखमरी का सामना ना करना पड़े। पत्नी को सुझाव बड़ा अच्छा लगा, कहने लगी ठीक है, आप पड़ोस के गांव में जाकर के देख लें, क्योंकि हमारे गांव में तो ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटे ही किसान हैं। तो एक पड़ोस के गाँव में ही जो एक अच्छा ज़मींदार था, दयालु हृदय वाला था, उसके बारे में सुन रखा था काफ़ी, तो उसके पास काम मांगने के लिए गया। अब किसान ने देखा कि पास के गांव में काफ़ी तबाही हुई है, तो लोग रोजगार के लिए इधर उधर भागे डोल रहे हैं। उसे उस पर दया आ गई, क्योंकि अच्छा काश्तकार था, अच्छा ज़मींदार था, और उसने उसे अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया। कि जो भोला था बहुत मेहनती था, तो दिन भर मेहनत करता और मेहनत करने के बाद शाम को अपना चला जाता। उसे एक दिन की छुट्टी भी मिलती थी, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती थी, और कभी कभी जब काम नहीं होता था तो मालिक भोला से कह देता कि आज काम नहीं है तो आप छुट्टी मार सकते हो। भोला को जो छुट्टियां मिलती थीं वो उन छुट्टियों को जाया नहीं करता था, बल्कि कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी उनमें कर लिया करता था, जैसे कि डेली मजदूरी वाला काम। उनसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उन्हें आगे के लिए वो जोड़ लेता था। जो फसल थी पककर तैयार हुई, बहुत अच्छी फसल हुई थी। उस ज़मींदार के यहाँ ऐसी फसल कभी नहीं हुई। ज़मींदार बड़ा खुश था, तो उसने अपने पास भोला को बुलाया और भोला से कहा, भोला ये सब कुछ तेरी मेहनत और लगन का परिणाम है कि हमारे यहाँ फसल इतनी अच्छी हुई है। और कुछ दिन बाद ही फसल कट गई, और कटने के बाद भोला को फिर बुलाया और भोला से कहा कि मैं तुम्हें कुछ इनाम के तौर पर देना चाहता हूँ, तुम ये बताओ पैसा लेना चाहोगे या कुछ और। अब भोला सोच में पड़ गया, उसके दिमाग में आया काफ़ी सोचने के बाद कि पैसे तो इतने हैं कि कुछ समय काम चल जाएगा, लेकिन जो खेती बई थी वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, और वहाँ पर फिर आसार यही हैं कि कोई ना कोई अनहोनी हो जाए यदि मैं वहाँ पर बोऊँ और पैसे लेकर के बीज भी लूँ और बो भी दूँ, तो पता कुछ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ऊंचा है और यहाँ पर पानी का साधन भी है, तो क्यों ना इनसे कुछ ज़मीन ले लूँ। फिर उसने ज़मींदार से कहा, मालिक यदि आप मुझसे खुश हैं तो मुझे कुछ जीवन यापन करने के लिए ज़मीन दे दीजिए, जिसमें कि मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ। किसान के पास काफ़ी ज़मीन थी, किसान बहुत खुश था भोला से, कहने लगा ठीक है। तो उसे कुछ जीवन यापन के लिए उसे कुछ ज़मीन दे दी गई। अब भोला सोचने लगा, ज़मीन तो मिल गई, इसे जोतने के लिए बैलों की ज़रूरत है, क्योंकि बैल भोला के पास थे नहीं, क्योंकि जो तबाही हुई थी गांव में उसमें ही उसके बैल नहीं रहे थे। अब उसने सोचा कि भाई मालिक के पास जाऊंगा तो वो ये कहेंगे कि ज़मीन दे दी, उसके बाद बार बार आता है। अब वो एक दूसरे किसान के पास गया, लेकिन वो किसान बहुत चालाक था। उसके पास गया, उसने विनती की कि मुझे बैल दे दिए जाएं ताकि मैं अपनी ज़मीन जोत लूं, थोड़ी सी ज़मीन है और मैं जोत करके आपको लौटा दूंगा। किसान ने कुछ सोचा, उस ज़मींदार ने कुछ सोचा, और सोचने के बाद भोला को बैल दे दिए। भोला अपना काम करने के बाद और बैलों को लौटाने के लिए गया। उस समय वो जो किसान था, ज़मींदार था, वो खाना खा रहा था। तो भोला ने कहा, मालिक आपके बैलों को कहाँ बांध दूँ, मेरा काम हो गया है। अब वो खाना खा रहा था, वो बोला ठीक है सामने बांध दो, और सामने बांध करके भोला अपना चला गया।
और ये बातें दोपहर की थीं, और लगभग एक घंटे बाद ही वही जमींदार जिसके बैल ले गया था भोला, उसके पास गया, उसके घर गया और कहने लगा, भोला मेरे बैल कहाँ हैं। अब भोला थोड़ा सकपका गया। भोला कहने लगा, मालिक मैंने तो वहीं बांधे थे आपकी आंखों के सामने, आपने भी देखा था, आप खाना खा रहे थे। अरे हाँ मैंने देखे थे, लेकिन वहाँ तो है ही नहीं, उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई, गए कहाँ बैल। अब तो भोला घबरा गया, कहने लगा, मालिक आपने देखे थे, मैं वहीं बांध के आया था। अरे नहीं है वहाँ, चल के बताओ कहाँ है। अब भोला गया, भोला ने देखा वहाँ बैल नहीं थे। भोला को उल्टा सीधा बोलने लगा और कहने लगा कि मैं तुझे सजा दिलवाऊंगा, चल राजा के पास। अब भोला सोचने लगा, अरे कहाँ फंस गया मैं, मैंने जबकि कुछ किया ही नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती जो जमींदार था वो उसे भोला को ले जाने लगा। जब वो लगभग 1.5-2 कोस चल लिए तो एक घोड़ा वाला घोड़े को बड़ी तेज़ रफ्तार चला रहा था, और घोड़े वाले ने जो भोला था उसको ऐसी टक्कर मारी, भोला एक पत्थर पर जा लगा और पत्थर पर जा के लगने पर उसका जो कान था, एक कान कट गया। अब भोला को बहुत गुस्सा आया, भोला के हाथ में लाठी लग रही थी, क्योंकि पहले लाठियों के जमाने थे, जहाँ भी जाता था आदमी लाठी लेके जाता था। अब जो घुड़सवार था वो रुक गया और वो हंसने लगा, हंसने लगा। तो भोला ने अपनी लाठी को उठाया और घुड़सवार को निशाना बनाते हुए लाठी को फेंक के मारा। दुर्भाग्य की बात थी कि जो लाठी थी, जो घोड़ा था, उसके मर्म स्थल पर लग गई, बीच में लग गई, जिससे कि घोड़ा वहीं पर बेहोश हो गया और बेहोश होने पर उसके प्राण निकल गए, अर्थात घोड़ा वहीं मर गया। अब इतना देख करके घुड़सवार आग बबूला हो गया, कहने लगा, तूने मेरे प्रिय घोड़े को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब लाठी लेकर उसकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन जो किसान था वो कहने लगा कि मैं इसे राजा के पास ले जा रहा हूँ इसे दंड दिलाने के लिए, इसे मारने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, इसे वहीं चल के दंड दिलाएंगे। अब घुड़सवार कहने लगा, ठीक है मेरा तो घोड़ा मर गया, मैं कहीं जा रहा था, लेकिन पहले सब दंड दिलाएंगे। अब वो चलते चलते शाम सी हो गई तो जो राजधानी थी उस नगरी के बाहर ही उन्होंने अपना डेरा डाल लिया कि सुबह राज दरबार में चलेंगे। लेकिन वो क्या देखते हैं कि वहीं पर कुछ नट थे जो अपना खेल तमाशा दिखाते हैं, वो वहीं पर राजधानी के बाहर ही जहाँ इन्होंने डेरा डाला था उससे थोड़ी सी दूर पर ही लेटे हुए थे, अपना उन्होंने डेरा डाल रखा था। अब किसान अर्थात जमींदार और वो घुड़सवार दोनों सो गए, लेकिन भोला को नींद नहीं आ रही थी। अब भोला वहाँ से उठा और उठ कर के सोचने लगा, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो मुझे राजा फांसी लगा देगा, क्योंकि मैं राजदरबार में जाऊँगा और ये दोनों मेरा जुर्म किसी न किसी रूप में सिद्ध कर देंगे और राजा मुझे फांसी दे देगा, और यदि फांसी भी ना दिया तो आजीवन कारावास दे देगा, उधर मेरे बीवी बच्चों की टेंशन मुझे सताएगी जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं, हालांकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन फिर भी अब दोषी मैं ही हूँ। अब ये सोच करके वहाँ से आगे चल दिया। वहाँ क्या देखता है कि जो नट होते हैं या तमाशा दिखाते हैं, नट जिससे तमाशा दिखाते हैं, उनके पास एक रस्सी रखी हुई थी। अब उसने देखा कि जो रस्सी थी उस रस्सी को लेकर के वो पेड़ की तरफ गया, और पेड़ थोड़े ऊंचे पर था और ऊंचे पे होने के नाते जो शाखा थी वो आसानी से हाथ आ जाती थी। अब उसने सोचा कि मैं यहाँ से फांसी लगाऊंगा इसमें बांध करके और नीचे दाग जाऊंगा तो मुझे फांसी लग जाएगी। लेकिन उसी की थोड़े से आगे जो नट थे उनका सरदार सोया हुआ था, उसने सोचा कि फांसी लगाऊंगा यहीं लटक जाऊंगा, वहां तक जाने का चक्कर ही नहीं है। अब जैसे उसने फांसी लगा के गले में अपनी रस्सी को डाला वहां बांध करके, और जैसे ही उसने मतलब झटके से कूदा तो रस्सी गई टूट, और टूटने पर वहां ना गिर करके थोड़ा आगे चला गया और उसके नट के सरदार के ऊपर गिर गया। अब नट का सरदार, जो नट थे उनका जो सरदार था, एक साथ उस भोला के गिरने से उसके चेहरे पे गिरा, वजन सह नहीं पाया और वो ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म हो गया। अब आवाज़ हुई तो नट जाग गए, और जागने पर उधर आए तो उन्होंने देखा कि भई हमारा सरदार तो मार दिया इसने।
अब रस्सी उसके गले में थी टूटी हुई। उससे पूछा क्या हुआ कि मैं तो जी फांसी लगाने आया था और रस्सी टूट गई और कि तूने हमारे सरदार को मारा है। अब उसे वो पीटना चाह रहे थे लेकिन उधर से वो भी आ गए लोग। उन्होंने कहा कि भाई इसे तो हम ही ले जा रहे हैं फांसी दिलाने के लिए, तुम्हारा भी इसने सरदार मार दिया, इसने तो बहुत बड़े जुर्म किए हैं, अब इसे फांसी 100% लगेगी, कोई नहीं रोक सकता। अब उसे लेकर के राजदरबार में अगले दिन वो चले गए। वो घुड़सवार था, वो जमींदार था, वो नट लोग थे। वहाँ जा कर के अपनी व्यथा सुनाई, सभी ने अपनी अपनी बात कही। अब भोला से पूछा राजा ने कि भोला तुम बताओ। भोला ने सारी कहानी बता दी, उधर साइड में उन्होंने अपनी बताई और उधर साइड में भोला ने बताई। अब उस जमींदार से कहने लगा कि भाई हमारी समझ में आ गया गलती किसकी है, भोला को जरूर सजा मिलेगी। अब सब खुश हो गए। अब राजा कहने लगा कि एक बात है कि जमींदार साहब, कि जब भोला बैल बांधने के लिए आया था तुम्हारे घर, क्या तुमने बैलों को देखा था? कि हाँ जी मैंने देखा था, बैल भोला के हाथ में ही थे। कि ठीक है तुम्हें तो न्याय भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें वो आंखें निकाल के देनी पड़ेंगी जिनसे तुमने उन बैलों को देखा। अब दूसरी आंखों से वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन देखा तो है, तुम्हारी आंखों के सामने थे। अब वो चुप हो गया। अब घुड़सवार से कहा कि घुड़सवार तुम्हें भी तुम्हारा घोड़ा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें पहले उसका कटा हुआ कान है वो सही करना पड़ेगा, यदि तुम सही कर पाए तो तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल जाएगा। अब वो भी चुप सकपक आ गया। अब तीसरा जो बचा था, जो नटों की तरफ से बात कर रहा था, उससे कहा तुम्हें तुम्हारा सरदार जरूर मिल जाएगा, लेकिन बात यह है कि उस रस्सी से तुम में से किसी एक को लटकना पड़ेगा, और यदि वो टूट गई तो तुम बच जाओगे और भोला मर जाएगा, अर्थात भोला को वहाँ पर लिटा दिया जाएगा जहाँ पर कि तुम्हारा सरदार लेटा था। यदि तुम बच गए तो भोला मर जाएगा, और यदि तुम्हें फांसी लग गई तुम मर जाओगे। अब सबके सब बड़े परेशान, राजा का न्याय देख करके सबके सब बड़े परेशान हो रहे थे। अब राजा कहने लगा कि तुमने एक शरीफ आदमी को इतनी दिक्कतें दी हैं, जबकि ये सारी दुर्घटनाएं हैं, इसका इसमें कोई कसूर नहीं है, जानबूझ के इसने कुछ नहीं किया, अब हर्जाने के तौर पर तुम सबको इसे पैसे देने पड़ेंगे, अगर नहीं दोगे तो तुम सबको मैं कारावास में डाल दूंगा। अब इतना सुन करके सब डर गए। अब थोड़े थोड़े पैसे जो उनके पास थे और राजा साहब को दिए, राजा ने भोला को दिए और भोला से कहा कि कभी भी एक तुम्हें परेशान करें तुम हमारे पास आ जाना, अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे साथ जाती हुई है, तुम वास्तव में बहुत परेशान थे और उसके बावजूद ऐसा हुआ, सजा इनको मिलनी चाहिए तुम्हें नहीं। और न्याय सुन करके भोला बड़ा खुश हुआ, जो अपनी ज़िंदगी डाल रहा था जोखिम में, अर्थात मरने वाला था। तो हमें आत्महत्या के विषय में कभी सोचना नहीं चाहिए, परेशानियों से मुकाबला करना चाहिए, हो सकता है मुकाबला करते करते उन परेशानियों का हल ऐसा निकल आए जिसकी हम कल्पना भी ना करें। तो भोला ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा, उसे तो उम्मीद थी या तो फांसी लगेगी या फिर कारावास होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ और भोला को इनाम भी मिला और उसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर चला गया।